फ्रेंड्स, हम इसमें पहुँच चुके हैं बांदीकुई जंक्शन पे, जहाँ से हम लोगों की शुरू होती है यात्रा। और यहाँ से हम चलेंगे मेहदीपुर बालाजी अपने दोस्तों के साथ। और वहाँ पे जाने के लिए किन किन कौन कौन सी साधनों के साथ और क्या खर्चे लगते हैं, रूम्स कैसे मिलते हैं और कितना आपका लो बजट या हाई बजट में होता है, सब कुछ बताएंगे। तो आइए चलते हैं। 60 रुपये लगता है और दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है और लगभग 1 घंटे का सफ़र है। बिल्कुल मज़े के साथ चल रहे हैं और भी साधन हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं ऑटो द्वारा भी, और सरकारी बसें भी चलती हैं और आप सरकारी बस से भी यहाँ से ट्रेवल्स कर सकते हैं। लेकिन सरकारी बस से अगर आप जाते हैं तो मंदिर के पहले ही 2 किलोमीटर पार देगा, जहाँ से आपको पुनः ऑटो या ई रिक्शा द्वारा वहाँ तक जाना होगा। और वैसे अगर आप जीप से जाते हैं तो मंदिर के पास ही उतारेंगे। दोस्तों, आज हम आपको लेके जाएंगे मेहदीपुर बालाजी धाम, जो राजस्थान राज्य के जिला दौसे के नज़दीक एक मेहदीपुर घाटी में पड़ता है। और आपको बताएंगे मेहदीपुर बालाजी की खासियत क्या है, वहाँ जाने का नियम क्या है, क्यों प्रसाद लोग नहीं खाते हैं। अगर आप बालाजी के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप बालाजी तक कैसे जाएं, आपकी यात्रा में कितना खर्चा होगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में जय बालाजी ज़रूर लिखें। और बालाजी धाम आने के लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं, आप यहां पर ट्रेन, बस और हवाई मार्ग द्वारा भी आ सकते हैं। यहां का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो बांदीकुई है। यहां पर लगभग सारे राज्यों से ट्रेनें आती हैं। बांदीकुई रेलवे स्टेशन से बालाजी धाम 40 किलोमीटर की दूरी पे है, जो लगभग 1 घंटे का सफ़र है। अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर रेलवे जंक्शन से आना चाहते हैं तो वहां से भी आप आ सकते हैं। और वहां से बालाजी धाम की दूरी 100 किलोमीटर है और किराया वहां से लगभग बाई बस का जो है 100 रुपये है। और इसके साथ अगर आप यहां का नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है जयपुर है, वहां से बालाजी की दूरी 110 किलोमीटर है। और आप बसों के माध्यम से भी यहां आ सकते हैं। अगर आप अपने साधन द्वारा भी आते हैं तो यहाँ पे आसानी से आप पहुँच सकते हैं, यहाँ की सड़कें प्रमुख मार्गों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए आपको बहुत सारे धर्मशालाएँ, होटल मिल जाएंगे। और धर्मशालाओं में हमें बालाजी धर्मशाला में हम लोग रुके थे, जो प्रति व्यक्ति लगभग 1 दिन का 100 रुपये चार्ज था। और कानपुर धर्मशाला और काफ़ी होटल्स हैं जहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर ठहर सकते हैं। इस समय हम लोग लगभग बालाजी धाम में पहुंच चुके हैं। रास्ते में बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल्स दिख रहे हैं, जहां पे आप रुक के ठहर सकते हैं। हम लोग यहां एक बालाजी धर्मशाला में रुके, वहां पे थकान होने के बाद कुछ देर विश्राम किया गया और स्नान वगैरह करके बाबा के दर्शन के लिए निकल लिए। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ लगभग 9 बजे पहुँच आए थे और उसके बाद काफ़ी थके थे, रूम खोजा गया। उसके बाद एक धर्मशाला में हम लोग टिके थे और उसके बाद भूख भी लगी थी, थोड़ा हम लोग भोजन वगैरह किए भोजन होटल में। इसके बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग तैयार हैं, बालाजी के दर्शन के लिए चल रहे हैं और दोस्तों के साथ। और चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं।
हनुमान जी को कलयुग के प्रधान देव कहा जाता है। कहा जाता है कि माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर नामक एक घाटी है। यहाँ पर मान्यता यह है कि हनुमान जी बाल स्वरूप में साक्षात विराजमान रहते हैं। यहाँ पर बालाजी के दर्शन के लिए देश के हर कोने कोने से भक्तगण आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों के कष्ट पल भर में भगवान हर लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की सरकार चलती है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, और इसलिए जो भक्त एक बार यहाँ बाबा जी का दर्शन करते हैं वो बार बार यहाँ पे आके बालाजी का दर्शन करते हैं। भूत प्रेत बाधाएं या किसी प्रकार का संकट हो यहाँ आने मात्र से यहाँ ठीक हो जाता है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं तो यहाँ के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आपको मेहंदीपुर बालाजी आने से एक सप्ताह पहले शुद्ध भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। और बालाजी की यात्रा के बाद लोग कहते हैं कि 41 दिन तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और मेहंदीपुर बालाजी से खाने पीने का कुछ भी सामान घर नहीं लाना चाहिए, यहाँ तक कि यहाँ के प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो उसको भी घर नहीं लाना चाहिए। मान्यता है कि मेहंदीपुर धाम से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। यहाँ पर प्रसाद को और कोई भी खाने पीने वस्तु के साथ सुगंधित कोई भी वस्तु घर नहीं लाना चाहिए, न ही किसी को आप दे सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर ऊपरी बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ पर 12 से 12:30 बजे तक बालाजी का दर्शनों के लिए उनका कपाट बंद होता है। हम लोग 12:30 बजे लाइन में प्रवेश किए और उसमें बहुत ही कम भीड़ लगी हुई थी, और जिससे बालाजी का दर्शन बहुत ही कम समय में और पूरी श्रद्धा के साथ हुआ। बालाजी महाराज की यहाँ पे बहुत काफी लंबी लाइन लगी हुई है और लगभग 1 किलोमीटर की। आत्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है। आत्मा एक शरीर से होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए यहाँ पे जो भी प्रेत आत्माएं बाधाएं होती हैं वो एक आत्मा का स्वरूप होती हैं जो एक दूसरे को ऊपर आ जाती हैं। जिन भक्तों के ऊपर ऐसा कष्ट होता है यहाँ आने मात्र से ही बालाजी की ऐसी महिमा है कि वह कष्ट पल भर में हर लेते हैं। इस समय हम लगभग बाबा बालाजी के गर्भगृह तक पहुंच चुके थे और अंदर की फोटोग्राफी करना सख्त मना था, इसलिए बाबा बालाजी का फोटोग्राफी नहीं कर पाए। और इनका दर्शन करने के बाद इनके बगल में स्थित भैरव जी, काल भैरव जी का स्थान है जिसका दर्शन किए। इसके बाद यहाँ पे स्थित प्रेतराज सरकार, जो प्रेत आत्माओं की सरकार है, उनका दर्शन करते हैं। और मान्यता है कि इनका दर्शन करने के बाद निकलने के बाद उनको पीछे मुड़कर कभी भी देखना नहीं चाहिए और आप कभी भी ऐसी गलती न करें। बाबा बालाजी का दर्शन करने के बाद लगभग हम लोग 1 बजे
बाहर निकल चुके थे और बालाजी का दर्शन करने के बाद हम लोग धन्य हुए। और यहीं पे एक सुप्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है, यानी जिसे तीन पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पे माता काली जी का स्थान है। और आप जब कभी भी बालाजी का दर्शन करने आए तो यहाँ पे तीन पहाड़ी का दर्शन जरूर करें। और वहीं पे तीन पहाड़ी स्थल पे ही सारे ऐसे बंधन जो प्रेत आत्माओं के होते हैं, वैसे बंधन वहाँ पे काटे जाते हैं और अब आप अपने कष्टों के भी बंधन वहाँ पे कटवा सकते हैं। आपको ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और बालाजी की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय बालाजी।